बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धामी की जय, शिव सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, सतगुरु महाराज श्री जुगनदास महाराज जी की बड़ी वृत्ति के माध्यम से श्री परम धाम की अलौकिक शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व की वीडियो में हमने पांचवी भूमि की शोभा को निरखा। आगे बढ़ते हैं और इन एक वीडियो में ही छठी, सातवीं, आठवीं और नवीं भूमिका की शोभा देखते हैं। महाराज शिव जी के सुंदर वचनों को श्रवण करते हैं। छठवीं में गिरद्वाई परशालों की और सुखपालों की जुगती न्यारी है, और सातवीं और आठवीं भूमि में हिंडोलों और तालियों की जुगती न्यारी है, और नवी भूमि में 6,000 दहलानों की जुगती न्यारी है। जो दीवार के आगे दोहरी दर दहलान आई है, और भीतर को चांदी और सीढ़ियां, और दसवीं भूमि में सर जोपाई न्यारी है। सबसे पहले छठी भूमिका की शोभा देखते हैं। छठवीं में गिरद्वाई परशालों की और सुखपालों की जुगती न्यारी है। श्री रंग महल की छठी भूमिका, घेर कराए बाहरी हार मंदिर, पूर्व दिशा में ठीक मध्य धाम दरवाजे का बड़ा मंदिर, मंदिरों की हार की भीतर एक नूरमयी गली, थंबों की पहली हार, थंबों की पहली हार और इन मंदिरों के दरमियान ये जो गली है, दहलान कही गई। परशाल, गिरद्वाय परशाल, और इन परशाल में है बाहरी हार मंदिरों की ओर मुख करते हैं, तो मंदिरों की जो पाखी की दीवार है, सांझे की दीवार है, उन दीवार में सुखपाल विराजे हुए हैं, और 28 स्तंभ की चौक में तख्त दरबार। सुखपाल की सुंदर शोभा, तख्त दरबार की सुंदर शोभा। सतगुरु महाराज श्री जी अपनी अनुपम दीन जो उनकी समाज को है, मनमोहन रसानंद सागर में सुखपाल का बहुत सुंदर वर्णन करते हुए, भूम छठी से चल के 6,001 सुखपाल चरोखे से मुकाबिल हो रहे, चरोखों के सन्मुख हो रहे। चार पाए हैं, चार डांडे हैं, सुखपाल के चार पाए चार डांडे हैं। ऊपर कलश है, खट छप्पर की जिनस है, सुंदर रोशन गादी बिछी है, और 5 तकिये शोभायमान है। कुछ इस तरह से चार पाए हों, चार डांडे हों, ऊपर 3 कलश आगे, 3 कलश पीछे की ओर, और 2 कलश 2 घुमटों के ऊपर, 1 गादी, 2 चाकले और 5 तकिये। विध विध के सुखपाल, आमने सामने बैठक तो कभी सिंहासन की तरह एक साथ युगल स्वरूप विराजमान होते हुए, बड़ी बड़ी मेहराब चारों दिशन को खुली है, बड़ी बड़ी मेहराबे पूरब को, पश्चिम को, उत्तर दक्षिण को। तरफ मोतियों की झालर है, मध्य में फूल ज्योति का लटकत है, मन माफक आगे को चलत है, ऐसी जो आनंद की मूर्ति सुखपाल है, आत्म स्वरूप सुखपाल है, सो 30वें खंड की 6,000 चरोखों से मुकाबिल है। एक सुंदर लीला का वर्णन, श्री रंग महल की 3री भूमिका,
भूम की परशाल की सन्मुख 10 सुखपाल और घेर कर 5,990 जो झरोखी है। उन झरोखों के सन्मुख एक एक सुखपाल और सुखपाल कैसी है, शिराज श्री ठकुरानी जी की चरण कमल की स्पर्श को तड़फत है, मानिन मछली की फड़फड़ात है। शिराज जी ठकुरानी जी दो जुगल स्वरूप बीच एक सुखपाल के विराजमान हुए और 6,000 सुखपाल में 12,000 सखी जोड़े जोड़े विराजमान हुई। जैसे जैसे सुखपाल में राजश्यामा जी विराजी, सखियां विराजी, सुखपाल आगे बढ़ते हुए और तीजी भूम की परशाल में आकर लगते हुए, और जिस क्षण पूरन ब्रह्म अक्षरातीत सुखपाल में कदम रखते हैं, सखियां कदम धरती हैं, सुखपालों का भी रोम रोम पुलकित हो जाता है और सवारी में साथ साथ चलने वाले पशु पक्षी झूम उठते हैं, एक साथ करोड़ों नगाड़े बज उठते हैं। उत्सव उल्लास का समा अति सुंदर शोभा श्री रंग महल की छठी भूमिका की। और अब श्री रंग महल की 7वीं और 8वीं भूमिका। और 7वीं और 8वीं भूमि में हिंडोलों और तालियों की जुगती न्यारी है। श्री रंग महल की 7वीं भूमिका। बाहरी हर मंदिर और भीतरी हर मंदिर के मध्य जो दो थंब की हार 3 गलियां हैं, इन थंबों की जो गिरद्वाए घेर कर मेहराबे आई, इन मेहराबों में हिंडोलों की अपरंपार शोभा। पहली हार में 6,000 हिंडोले, दूसरी हार में 6,000 हिंडोले। धाम दरवाजे के सन्मुख इन बड़ी मेहराब में 2 हिंडोले और दूसरी हार में 28 थंब के चौक में जहां थंब नहीं आए, उन स्थान पर पहली हार के सन्मुख 1 सूत में हिंडोले लगते हुए यहाँ पर हिंडोलों की 2 ताली पड़ती है। हिंडोलों की 2 ताली। श्री राज श्यामा जी के सन्मुख नजर से नजर बांधकर झूला झूलती हम सखियां। सातवीं भूमि में हिंडोलों की अपरंपार शोभा। श्री रंग महल की 8वीं भूमिका। 7वीं भूमिका की समान 6,000 हिंडोलों की 2 हारे तो हैं ही सही, और इनके मध्य जो मेहराब पड़ती है उन मेहराब में भी हिंडोले। हिंडोलों की 4 ताली। उन समा को महसूस करें अति सुखदाई हिंडोलों में, फूलों से सज्जित अति सुखदाई हिंडोले, रत्नों जड़ित उन हिंडोलों में पिया समझूलना, आमने सामने से 4 हिंडोले एक साथ मिलते हुए, हिंडोलों की कड़ों की वो मीठी झनकार, उन थंबों का नोर, और जब सामने युगल पिया और धाम की लाडली सखियां हो, उनकी वो मीठी मीठी मुस्कानियां, युगल पिया की नजरों में अपलक
निहारते हुए हिंडोलों के आनंद अपरंपार शोभा। और अब देखते हैं श्री रंग महल की नवी भूमिका। और नवी भूमि 6,000 दहलानों की झुकती न्यारी है, जो दीवार के आगे दोहरी दर दहलान आई है। भीतर कुछ चांदी और सीढ़ियां हैं और दसवीं भूमि सर चौपाई न्यारी है। श्री रंग महल की नवी भूमिका। बाहरी हर जो मंदिर है वो नवी भूमि की शोभा से 3 सीढ़ी ऊंचाई पर। यहाँ पर एक मंदिर का चौड़ा और घेर कर 6,000 मंदिर का लंबा चबूतरा हुआ। भीतर की तरफ दीवाल की शोभा ही है। दीवाल में मंदिर मंदिर की हद पर अक्षीधम, सुंदर मेहराबी, उनमें 3 ठीक मध्य द्वार और द्वार के सन्मुख चांदा, जिनसे सीढ़ियां भीतर त्रिपोलिये में उतरी हैं। और इन मंदिरों की बाहरी हद पर खम्भों की हार। बाहरी दीवार नहीं आई, बाकी की दीवार नहीं आई, एक सुंदर दहलान हुई है घेर कर। यहां से एक मंदिर का छज्जा, छज्जे की भी बाहरी किनार पर खम्भों की दोहरी हार, कठेरा। गुर्ज अपने स्थान से आने पर 201 चरोखों की प्यारी सी झुकती हुई है। 10 मंदिर का चरोखा, 25-25 मंदिर के चरोखे और घेर कर सब चरोखे 30 मंदिर के। भीतर को दीवाल और बाहरी और मंदिर के थंबों की हार, मंदिर की बाहर की ओर और पाखे की दीवाल नहीं आई, खम्भों की दोहरी हार। छज्जे की किनार पर थम और कठेड़ी की सुंदर शोभा। हाँ, सांस पर सुंदर सिंहासन कुर्सियां। गुर्ज अपने स्थान पे आने से सुंदर जरोखों की शोभा। गुर्ज अपने स्थान पर आए हैं अपनी संपूर्ण शोभा सहित। तो अति सुंदर श्री रंग महल की नवी भूमिका की शोभा। सुंदर सा जी, इन वीडियो के माध्यम से हमने युगल दास महाराज जी की बड़ी वृत्ति के माध्यम से 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं भूमि की सुंदर शोभा को देखा। प्रणाम जी, सुंदर सा जी।